वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आए हुए हैं लोनावला के एक बहुत ही फेमस प्रॉपर्टी में जिसका नाम है एम्बे वैली। आज है डे टू और जो जगह हमारी कल बच गई थी वो आज हम पूरी कवर करने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़ जाइए और चलिए एक्सप्लोर करते हैं बची हुई जगहों को। तो फिर देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज है हमारा दूसरा दिन डे टू और ये है नजारा हमारी खिड़की से। तो दूसरा दिन की शुरुआत करते हैं। तो गाइस यहाँ पे बोर्ड बना हुआ है लेक गार्डन लेक फ्रंट वगैरह। अब हम जा रहे हैं नीचे और हमें दिख रहा है पानी। तो गाइस यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं और ये है इसका रिसेप्शन। चलिए अंदर चलते हैं। तो यहाँ टीवी में वो बताते हैं क्या क्या वाटर स्पोर्ट्स हैं, क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। तो गाइस यहाँ पे होती है वाटर सफारी, 1800 एडल्ट्स का है, 1500 बच्चों का। ये 2 घंटे का होता है। इसमें अलग अलग वाटरफॉल्स में वो आपको लेके जाते हैं, यहाँ पे अलग अलग वाटरफॉल्स में लेके जाते हैं। नेचर का जो अगर आपको एंजॉयमेंट करना है तो आप फुल ऑन यहाँ पे कर सकते हो। अगर आप यूट्यूब पे जाके एम्बे वैली वाटरफॉल सफारी टाइप करोगे तो आपको सब मिल जाएगा। तो गाइस मॉनसून में काफ़ी चीज़ें सेफ नहीं होती, वरना यहाँ पे बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं जेट स्की वगैरह हो गया, आपका वेव बोर्ड का जो स्की होता है वो सब हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, कयाकी वगैरह, स्पीड बोट राइड वगैरह है, फिर बनाना राइड है, ये सारी चीज़ें हैं, मगर ये मानसून के बाद स्टार्ट होती है। तो गाइस ठीक रिसेप्शन से होते हुए अभी हम जा रहे हैं नीचे और यहीं पे आपकी सारी बोट्स वगैरह रखी होती है सफारी के लिए। इनफैक्ट आप बोटिंग भी कर सकते हो, 20 मिनट्स का कुछ होता है, कुछ 2500 रुपीस पूरा बोट चार्ज है। तो अगर आप ग्रुप में आ रहे हो तो आपको सस्ता पड़ेगा, आप बांट सकते हो कंट्री करके। तो गाइस अभी हम आ गए नीचे, भले आपने कोई राइड नहीं लिया हो लेकिन फिर भी आप यहाँ तक नीचे आ सकते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि बोट आ रही है, ये जो ये डॉग्स हैं बेसिकली। और गाइस यहाँ पे बैठने की भी सुविधा है, तो आप यहाँ पे आके बैठ बैठ सकते हो, बड़ी आराम से फोटो शोटो खींच सकते हो। नाइस, अच्छा है, पर टाइम नहीं है वरना हम ये ज़रूर करते हैं। गाइस यहाँ पे पैडल बोर्ड्स भी है, लेकिन वही है कि मानसून चल रहा है, अक्टूबर में भी मानसून चल रहा है, तो ये उन्होंने बंद करके रखी, वरना ये भी आपको आराम से मिल जाती है यार, 2 जन के हिसाब से एकदम परफेक्ट था, तो काफ़ी अच्छा आप एक राउंड मार के आ सकते थे। तो गाइस यहाँ पे बोर्ड्स रखी हुई हैं, कुछ एक तो निकल गई, और यहाँ पे खड़े होकर भी आप बढ़िया बढ़िया फ़ोटोज़ ले सकते हैं जैसे वो ले ही रहे हैं। प्लस काफ़ी जगह है यहाँ पे जहाँ पे आप खड़े रह के बढ़िया व्यू का भी मज़ा ले सकते हैं, और नज़ारे तो है ही। तो ये सह्याद्री के जो पहाड़ हैं ये आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। और ठीक यहाँ पर है गाइस लेक फ्रंट कैफ़े, चलिए अंदर चलते हैं। गाइस ये है रेस्टोरेंट लेक फ्रंट वाला जो है, जो लेक व्यू वाला है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ मेरे बर्थडे पे ड्राई डे, कोई दारू नहीं मिलेगी मेरे बर्थडे पे, परफेक्ट। गाइस ऐसे नीचे भी आप उतर सकते हो, यही है अगर आप जल्दी आते हैं दोपहर में तो ही आपको ये जगह मिल पाती है जहाँ लेक फ्रंट में आप बैठ के खा सकते हो, जैसे ज्योति बैठी अभी। सबसे पहले आया है फ्रेंच फ्राइज पेरी पेरी, ट्राई करते हैं। जैसे हम मैगी में खाते हैं ना पेरी पेरी मसाला मिलाते हैं, एग्जैक्टली वैसे लग रहा है, बहुत क्रंची है और क्वांटिटी भी बहुत अच्छी आई है। साथ में आया है स्पाइसी सॉस, वर्थ इट है, वर्थ इट है। ये है यहाँ का LFC टर्फ और ये इनका सिग्नेचर सीजलर है। मैंने कहा ये बुला लिया जाए क्योंकि इसमें टाइगर पॉन्स मिलता है, चिकन ब्रेस्ट मिलते हैं, वेजिटेबल मिलता है, राइस मिलता है, और जो अभी अभी हमने खाया फ्रेंच फ्राइज भी मिलता है। और साथ में आया है मैक्सिकन सॉस, चिकन बॉर्डर जैसे पक गई है, बढ़िया ग्रिल करके उन्होंने दिया, जिसमें 2 बड़े साइज़ के प्रॉन्स हैं, देखिए देखिए, और ये विथ शेल है तो आपको शेल तोड़ना पड़ेगा। प्रॉन्स भी बहुत अच्छे से पक गया, बहुत बढ़िया टेस्ट है। फ्राइज जैसे फ्राइड राइस आता है और सीजर्स के साथ बिल्कुल वैसे। ओवरऑल आपका जो सीजर अच्छा है उसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इट्स वर्थ इट। योको सीजर वगैरह में भी आप खाते हो तो करीब करीब उतना ही पड़ जाता है। द बेस्ट पार्ट इज़ आज मेरा बर्थडे और एनिवर्सरी है, तो बढ़िया हम लेक व्यू इन्जॉय करते खा रहे हैं। तो गाइस यही है लेजर और इसी के बाजू में है गेमिंग आर्केड। और गाइस काफ़ी ऊपर आने के बाद हमें मिला है गेमिंग आर्केड, समिट के आगे है ये, लेकर चलता हूँ आपको अंदर। गाइस यहाँ पे आपको बाउलिंग भी मिल जाएगी विच इज़ वेरी गुड, यहाँ पे आइस स्केटिंग भी है, साथ ही साथ में डैशिंग कार्स भी है, बड़ों लोगों के लिए भी है, वर्चुअल रियलिटी है वो पंचिंग का है, आइस हॉकी है, एयर हॉकी है, और काफ़ी कुछ है यार यहाँ पे। गाइस आइस तो नहीं है मगर उसी का कुछ मिलता जुलता एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा ऐसे स्केटिंग से, तो आप वो भी इन्जॉय कर सकते हैं।
छोटे बच्चों के लिए बाइक्स वगैरह यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, प्लस वो हैमर हिटर, यहाँ से आप हैमर मार सकते हो, पंचिंग है, बास्केटबॉल वगैरह है, एयर हॉकी वगैरह है, बहुत कुछ है यार। बच्चों के लिए भी काफ़ी गेम्स है गाइस, ये देखिए, नाइस, बहुत सारे हैं यहाँ पे बच्चों के लिए भी, छोटे छोटे गेम्स बहुत हैं। एक्चुअली है तो बहुत कुछ, लेकिन मोस्टली चीज़ें वर्किंग नहीं है। हाँ अभी बंद है क्योंकि मानसून में ज़्यादा लोग आ भी नहीं रहते। गाइस गेमिंग आर्केड के पास में ही है लेजर, टाइम पास का सब कुछ मिल जाएगा, आप देख ही सकते हो। चलिए चलते हैं अंदर। गाइस जिम देखो कितना बड़ा है, और साथ में ये फैन भी कितना बड़ा है। आप देख सकते हो गाइस कितना बड़ा है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है इसके, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। आप बस अपना ट्रैक पैंट और दूसरे शूज़ लेके आइएगा मस्त यहाँ पे, और फिर अपनी एक्सरसाइज शुरू कीजिएगा। काफ़ी बड़ा जिम है गाइस, बहुत बड़ा जिम है यार, बहुत बड़ा। किक पंच प्रैक्टिस के लिए भी है। जिम, चेस और कैरम ये कॉम्प्लीमेंट्री, बाकी सबके जो है वो चार्जेस हैं वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पूल यानी कि बिलियर्ड्स भी मिल जाएगा, कैरम वगैरह भी है, और टेबल टेनिस भी है। तो गाइस यहाँ पे स्क्वॉश भी है, तो आप स्क्वॉश भी बढ़िया खेल सकते हो, साथ ही साथ में यहाँ पे बैडमिंटन वगैरह के लिए भी है, तो बैडमिंटन वगैरह भी आप बढ़िया खेल सकते हो। नाइस, सही है यार ये। और यहाँ पे वॉशरूम भी है, बहुत बढ़िया, नीट एंड क्लीन, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। एक्वा गार्ड भी लगा तो बढ़िया, पानी भी आपको मिल जाएगा। लेजर और गेमिंग आर्केड के ठीक सामने है ऑडिटोरियम, चलिए अब अंदर चलकर देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। तो गाइज यहाँ तो फिलहाल अभी लाइट बंद है, मगर ये पूरा फंक्शन वगैरह के लिए जो यूज़ होता है ना, बैंक्वेट हॉल जैसा होता है। और बाहर भी अच्छा खासा बड़ा है, दिखाता हूँ आपको। और यहाँ जो बाहर है ऑडिटोरियम का साइड, ये भी काफ़ी बड़ा है, और आई थिंक ये सिर्फ एक रूम नहीं, यहाँ से दो तीन है। वाह, दैट्स ह्यूज मैन, बहुत बड़ा है। तो गाइज यहीं पे है रिसेप्शन, और ठीक इसके सामने है फिश थीम पार्क, और सारी फिश से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है वो यहीं होती है। चलिए आपको दिखाता हूँ। तो गाइज ये भी मैन मेड है, ये उन्होंने पूरा एक पॉन्ड जैसा बनाया है जिसमें आप बोटिंग वगैरह कर सकते हो, और काफ़ी अच्छे से बनाया है ये, उन्होंने नेट वगैरह रखा है, और यहाँ बैठने की भी सुविधा है, तो आप बैठ भी सकते हो आराम से। तो गाइज यहाँ पे आपको फिशिंग भी मिल जाएंगे, फिशिंग रॉड वो देते हैं 600 रुपीज़ आधे घंटे के लिए, फिशिंग रहता है, राफ्ट है वो, फिर वो डीप वहाँ से पानी में लेके जाते हैं थोड़ा आगे, वहाँ आपको फिर वो फिशिंग कराते हैं, उसका 500 है। साथ ही गाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बॉटल गेम है, ये जैसे फिश पकड़ते वैसे ही है, इस पे लगा हुआ है, इस पे नहीं लगा है, तो जैसे फिशिंग करते हो ना वैसे ही आपको बॉटल पकड़ना है। और पीछे ये जो आपको पोल्स दिख रहे हैं वो बॉल पकड़ने वाला गेम है। तो फिशिंग के अलावा भी एक दो गेम्स हैं यहाँ पे। तो गाइस हम आए हैं हमारी भारत माता के पास, ये बहुत ही बढ़िया उन्होंने बनाया है, ये है हमारा फ्लैग, और बढ़िया शेरों के ऊपर सवार है हमारी भारत माता। और फ्रेंड्स ये बहुत 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 बड़ा, ह्यूज है। हाँ बहुत बड़ी है। चलिए चलते हैं ऊपर और आपको दिखाते हैं। तो गाइज ये है हमारी भारत माता सिंहों पर सवार, बहुत बड़ी मूर्ति उन्होंने बनाया है, और बाकायदा पूरा रथ है, और रथ भी अच्छा खासा बड़ा है। वो एकदम थोड़ा बाहुबली वाली फीलिंग आ रही है। इसके आसपास का जो उन्होंने तैयार किया है पूरा स्ट्रक्चर, वो भी बहुत बढ़िया है, और बहुत बड़ा है यार, जस्ट सी द साइज ऑफ इट यार, आई मीन सो ह्यूज। आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पे लाइट्स वाइट्स भी होंगी, वायर वगैरह दिख रहे हैं थोड़े, अब वही है कि यहाँ पे मेंटेनेंस उतना नहीं है। तो गाइस हम यहाँ से आए हैं अंदर, यहाँ पे हमने खड़ी की अपनी गाड़ी, और आ गए हैं हम अपने गोल्फ कोर्स पे। तो ये है गोल्फ कोर्स, मैं आपको पहले थोड़ा यहीं से दिखा देता हूँ। काफ़ी बड़ी अच्छे तरीके से इसे मेंटेन किया गया है, प्लस नज़ारे तो आप देख ही सकते हैं कितने खूबसूरत हैं। अब अंदर क्या क्या है चलिए आपको वो दिखाता हूँ। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं अंदर, और ये है गोल्फ कोर्स, अच्छा खासा बड़ा है, और जैसे कि मैंने कहा बहुत अच्छे से वेल मेंटेन्ड है। और ठीक इसके सामने जो है गाइस बेहद खूबसूरत नज़ारे हैं, बढ़िया पहाड़ है, फॉग है, और यहाँ पर क्या है वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। और आप देख ही सकते हैं गाइस पहाड़ कितना बढ़िया दिख रहा है, काफ़ी बड़ा है यार, तो यहाँ पर फ़ोटोज़ और वीडियोज़ तो बहुत बढ़िया निकलेंगे। तो गाइस अंदर से ही ऐसा है, बिल्कुल आपको एक विंटेज वाली फीलिंग आएगी, और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द वे यू प्ले द गेम ऑफ गोल्फ दैट्स द वे यू प्ले द गेम ऑफ योर लाइफ। नाइस, चलिए आगे चल के आपको दिखाता हूँ एक्चुअल गोल्फ कोर्स जो है अंदर वाला। तो गाइस पे करके आप यहाँ पे गोल्फ भी खेल सकते हो, और अंदर जो है यहाँ से जैसे हम आए यहाँ से है मेन गोल्फ का कोर्स, और ये काफ़ी बड़ा है, इधर भी आप देख ही सकते हो कितने सारे बॉल्स पड़े हुए हैं बाहर। तो गाइस यहाँ पे आप बढ़िया गोल्फ भी खेल सकते हो, और गाइस यहाँ से ना पहाड़ बहुत क्लोज दिखता है और बहुत अच्छा लगता है।
टाइम होता ना तो मैं गोल्फ जरूर खेलता। तो गाइस 500 रुपीस में आपको 55 बॉल्स मिलेंगे, तो 55 बॉल्स आप कितने देर में वहाँ मारते हो आप पे डिपेंड करता है, तो ये इसका प्राइस है। तो गाइस ठीक इसके ऊपर यहाँ पे आपको एक और रेस्टोरेंट मिल जाएगा, तो अगर आप कुछ खाना वाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो गाइस वाला गोल्फ कोर्स तो मैंने आपको दिखा दिया है, बहुत अच्छे से उन्होंने मेंटेन करके रखा है। तो गाइस यहीं से अंदर आपको रेंटल के लिए भी मिल जाएगा, साथ ही साथ आप खरीद भी सकते हैं अगर आपको गोल्फ खेलना आता है और शौकीन है तो। यहाँ पे आप मेंबरशिप वगैरह भी ले सकते हो अगर आपको रेगुलर करना है तो। ये है गोल्फ की गाड़ी, तो यही आपको लेकर जाती है अगर दूर है गोल्फ कोर्स आपका तो। अगर आप लोग ने GTA वाइस सिटी खेला है तो आपको पता होगा ये गाड़ी क्या है, KD। गाइस जैसे आप वुड पे क्रॉस करेंगे तो आपको यहीं पे बोर्ड दिख जाएगा, ये इस साइड में पड़ता है, तो आपको यू टर्न लेके आना पड़ेगा। और ये है स्टेबल, यहाँ पे यानी तबेला है, जैसे कि आप देख सकते हैं वो ऑलरेडी हॉर्स कार्ट में लेके जा रहे हैं, जैसे बुलक कार्ट होता है वैसे हॉर्स कार्ट भी है और अंदर घोड़े भी हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको क्या क्या है। तो गाइस यहाँ पे ऐसे हॉर्स कार्ट भी है तो आप इसका भी मज़ा ले सकते हैं। तो कर्मा नाम है ये वाले घोड़े का जिसके साथ अभी ज्योति खड़ी है और ये बहुत फ्रेंडली है। तो गाइस दूसरे वाले का नाम है मून, वो इसलिए क्योंकि इसको ऐसा चांद बना हुआ है, इसका नाम मून रखा है। यहाँ पर फर्स्ट बॉर्न हुई थी, इसका नाम ही सरप्राइज रखा था। अच्छा, स्टेबल की फर्स्ट बॉर्न। यहाँ पर कोई शादी वगैरह होती है उसमें यही जाती है। अच्छा, इसका नाम है लक्ष्मी। ये सबसे स्टेबल की सबसे यंग घोड़ी, ओनली 7 ईयर। ओह, 7 ईयर्स की है। बाप रे, साइज देखो यार, इसके बाल एकदम पतले हैं इसलिए बढ़ाते हैं हम लोग। ओके, इसको बर्फ लगा के तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब वो ध्यान भी रखते हैं घोड़ों का। तो ये हंसराज है, वो तीनों सिस्टर्स जो थे उसका रियल फादर यही है, और एक लौता मेल भी। 26 ईयर्स। वाओ, कितने साल जीते, क्या साल रहते हैं इनका? 25 से लेके 32। अभी ज्योति खिला रही है, इतनी जल्दी जैसे इतना भूख लगी, इतना भूख लगी। ये भी 7 मंथ का है, ये इसने इतना भूख लगी। हाँ, जल्दी खाओ, जल्दी जल्दी। और जो बाबू तो लाटे से भी फास्ट है। इसको हक करके खिलाओ। ये है काजल, ये पोनी ब्रीड, ये 13 साल की। 13 साल की पोनी ब्रीड होता है, यानी बड़ा नहीं होता है, नहीं, ये इतना मीडियम साइज में छोटा ही रहता है। ओके, घोड़े का मिक्स ब्रीड, खच्चर और घोड़े का मिक्स ब्रीड। ओके ओके ओके, इसकी हाइट छोटी है तो आप भी आराम से कर सकते हैं, ये फायदा है। तो गाइस यहाँ पे आके आप इन्हें प्यार भी कर सकते हो, इनके साथ फोटो वीडियो भी ले सकते हो। तो गाइस ये है वुड पिक, कंपेयर टू अदर रेस्टोरेंट्स यहाँ का खाना ज़्यादा बेटर है, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि रात में हमने खाना खाया था। तो चलिए आपको दिखाते हैं रात का नज़ारा और लेकर चलते हैं डिनर पे, लेट्स गो। तो ये लीजिए, आ गए हम रात में डिनर खाने के लिए। तो गाइज यही है क्लॉक टावर, हमने वहाँ गाड़ी लगा दी है और हम आ गए हैं वुड पिक, क्योंकि ये फाइन डाइनिंग है एम्बे वैली का और आप इंटीरियर्स देख ही सकते हैं कितना अच्छा उन्होंने बनाया है, और प्रॉपर एकदम वुड का पुराने ज़मानों में जैसे होता है या कोल्ड एरिया फॉरेन वगैरह में जैसा होता है कुछ वैसा बनाया है। इंटीरियर्स देखिए कितना अच्छा बना है, चलिए चलते हैं अंदर। तो गाइस ये है रिसेप्शन, अभी तो फ़िलहाल हम नाइट में आए हैं और काफ़ी लाइट्स अभी बंद हो गई हैं, और आप देख सकते हैं बॉटल्स कितने अच्छे से उन्होंने सजाया है। तो मेरे वो भाई बहन लोग जिनका कोल्ड ड्रिंक से काम नहीं चलता, तो भाई आप लोगों के लिए भी यहाँ पर इंतज़ाम है, चलिए अब अंदर चलते हैं। तो गाइज ये है इंटीरियर पूरा, आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, और अभी तक जितने भी रेस्टोरेंट गए उसमें यही एक लौता है जिसमें अभी मुझे बुफे मिला और वो थोड़ा वर्थ इट लगा। तो गाइज बुफे की स्टार्टिंग यहाँ से होती है, ये है चिकन एग ड्रॉप सूप, क्रीम ऑफ डुब्रे सूप, पनीर इन रेड पेपर सॉस, दाल तड़का, ये है स्टीम राइस। ओ हो, साइज तो देखो भाई, ये कुकर की साइज देखो, पनीर लखनवी, पंजाबी राजमा, हिंग धनिया चटपटा आलू, इंडियन बेड स्टेशन है, पापड़ वगैरह मिल जाएगा और अंदर भी आपको गरम मिल जाएगा, लेवनीस पोटैटो। ओह क्या बात है, एबर्जिन जो भी इसका नाम है आप देख लीजिएगा। ये कुछ दिखने में पाया के जैसे दिख रहा है, बड़ी वेज है। मशरूम रिसोटो, चिली गोभी, चिली गार्लिक फ्राइड राइस, ये तो मुझे बहुत पसंद है। अब ये नॉनवेज सेक्शन, ये मेरा सेक्शन स्टार्ट होता है। सबसे पहले तंदूरी चिकन विद बोन्स, नाइस, ये मस्त, ये फिश इन ब्लैक, बीन सॉस, बादामी मुर्ग, ये कुछ पहली बार देख रहा हूँ, बादामी मुर्ग, अंगूरी रसमलाई, मैंगो बर्फी, काला जामुन, कैरेमल टार्ट, लेमन चीज़ केक, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, चॉकलेट स्विस रोल, ब्लूबेरी क्रम्बल, कीवी पेस्ट्री, रसबेरी मूस, बेक्ड योगर्ट, वॉलनट ब्राउनी, असॉर्टेड चीज़, हल्का फुल्का लाइट चाहिए तो वो भी है यहाँ पे, चाट वगैरह है, स्वीट पोटैटो सलाद है,
टॉस्ट सलाद है। फिर ये देखिए सलाद काफ़ी है, बस आपको मिक्स रायता वगैरह मिल जाएगा, फ्रूट्स मिल जाएंगे, पनीर टिक्का चाट ये भी आपको मिल जाएगा, प्लस समथिंग सलाद, मिक्स फ्रूट सलाद, प्लस यहाँ पे फिर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा गाइस। आइसक्रीम भी है, मैंगो आइसक्रीम, और दूसरी कौन सी है, ब्लैक करेंट आइसक्रीम। साथ ही वो लोग जो डाइट करते हैं और जो शुगर फ्री प्रेफर करते हैं तो उनके लिए भी अवेलेबल है यहाँ पर पुडिंग। तो गाइस टोटल हमें पड़ा 3658, ये दो जन के बुफेट का रेट है। एक्चुअल रेट ये है बट वो ये टैक्सेस वैक्सेस लग के ये इतना हो जाता है। ठीक है प्राइस ज़्यादा है मगर खाना वर्थ इट है और वैरायटीज़ बहुत सारी हैं, तो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ। बाकी और भी अलग अलग जो यहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं उन सब के भी नाम यहाँ पर हैं, तो आप देख सकते हैं। और गाइस रात में ऐसी लाइट्स ऑन हो जाती है झूले की, फाइनली हमें एक झूला मिला है जिसके पीछे से आप देख सकते हैं ब्रिज दिख रहा है, ये भी बढ़िया है। शाम में आके भी आप यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बढ़िया मस्त लाइट लग गई है झूले में। तो ये आ गया है ब्रिज, बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ से देखिए पूरा, बट लेफ्ट में भी कुछ कुछ लगा हुआ है लाइट्स और राइट में भी, दोनों ही जगह बहुत बढ़िया लग रहा है। तो ये ब्रिज आपको क्रॉस करना ही पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें जो है वो ब्रिज के इस तरफ है, कुछ चीज़ें जो है वो ब्रिज के उस तरफ है, तो आपको ब्रिज फिर भी क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ख़त्म होता है ये खूबसूरत सा ब्रिज, हम जा रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं सीधा अपने कमरे में। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, चलिए देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है। बॉइल्ड एग ये कॉमन है, सॉल्टेड चिकन, साबुदाना खीर, ओट्स, जुकनी सॉल्टेड, मैश पोटैटो, टोमेटो राइस, साबुदाना की खिचड़ी, पोहा, मटर सब्जी, पूरी, आलू पराठा, दाल वड़ा, इडली, सांभर, चटनी। बाकी यहाँ कल के जैसे सिमिलर है, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह और मिल्क शेक, पाइनएप्पल जूस वगैरह। डेजर्ट सेम है, केक हो गया, कप केक्स, डोनट्स और फ्रूट्स भी कल के जैसे, बाकी ब्रेड वगैरह भी है, जैम, बटर और टी कॉफ़ी, और साथ ही साथ जेन काउंटर। कुछ लाना भूल जाएं तो यहाँ पे एक छोटा सा ग्रॉसरी शॉप है, तो आप परचेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई डिस्काउंट नहीं है, सब कुछ एमआरपी पे। किराना शॉप ही है तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो गाइस दाल चावल वगैरह भी आपको सब मिल जाएगा, मक्खन, कोल्ड ड्रिंक्स सब कुछ मिल जाएगा। अरे यार यहीं से ले लेना था। गाइस कपड़े वगैरह भी हैं जैसे मैंने दिखाया आपको, स्विमिंग कॉस्ट्यूम वगैरह भी है, ब्रेड वगैरह रखा हुआ है, ये रखे हैं वेजिटेबल्स। हाँ कहीं जाना नहीं पड़ेगा, किराने की शॉप ही नहीं है। गाइस यहाँ पे बहुत बढ़िया फाउंटेन शोज भी होते हैं, बट हमारे टाइम पे भी हमें नहीं मिले, लेकिन ओकेशनली यहाँ पे होते रहते हैं, तो अगर आपको मिलेगा तो इसे बिल्कुल मत चूकिएगा। तो बाय बाय टू आवर स्पैनिश कॉटेज, और अभी आगे है बग्गी, उन्होंने सामान रख दिया, अब हम सीधा जा रहे हैं अपनी गाड़ी के पास, फिर वहाँ से निकलेंगे बाहर। तो गाइस अभी हम कर रहे हैं चेकआउट, तो ये है एग्जिट पास, तभी आपको बाहर निकलने मिलेगा, तो जैसे आप चेकआउट करते हैं आपको एग्जिट पास मिल जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे एम्बे वैली का पर्सनल हॉस्पिटल भी है, फार्मेसी भी है और इनका एम्बुलेंस भी है, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको ये सुविधा भी प्राप्त हो जाएगी। तो गाइस अब हम हो रहे हैं एग्जिट यही बड़े गेट से, लेकिन बाहर और भी चीजें हैं गाइस, वो हम आपको दिखाते हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो एक्टिविटीज जो बाहर है, मतलब आपको एम्बे वैली से बाहर निकलना पड़ता है, हालांकि वो भी पार्टी है उसका। यहाँ से एक लेफ्ट में जो है ये पूरा एडवेंचर के लिए है, तो सब एडवेंचर से रिलेटेड शौकीन लोगों के लिए बहुत कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये रहा एडवेंचर स्क्वायर, जंगल के अंदर हम जा रहे हैं आगे। तो अब हम आ चुके हैं एडवेंचर स्क्वायर और पार्किंग हमने यहाँ कर दी है, और ये है एडवेंचर पार्क जो कि एडवेंचर स्क्वायर के नाम से जाना जाता है। आप एटीवी देख ही सकते हैं, ये बढ़िया ईगल बनाया हुआ है उन्होंने, एक छोटी एटीवी भी रखी है। अब लेकर चलते हैं आपको अंदर और दिखाते हैं कि क्या क्या एक्टिविटी होती है और अंदर से ये कैसा है। गाइस यहीं पर है एरो के लिए, बो एंड एरो, तो अगर आपके एम अच्छे हैं तो देख सकते हैं। यहाँ अंदर हम आ गए और यहीं से काफ़ी कुछ दिख रहा है। रॉक क्लाइंबिंग है वो आप देख सकते हैं, ये अच्छा खासा बड़ा है, ये कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, काफ़ी ऊँचा है यार, मज़ा आएगा। तो गाइस ये एक्टिविटी का पूरा बड़ा बना हुआ है, देखिए यहाँ पर अंदर जाने का भी बना हुआ है। आई थिंक यहाँ से कुछ होगा सीढ़ी वीढ़ी से, जैसे आप ऊपर जाते हैं तो नीचे उतर सकते हैं। बेसिकली ये बनाया हुआ है, ये ओरिजिनल रॉक जैसा दिख रहा है पर ये बनाया हुआ है, और यहाँ होती है मेन एक्टिविटीज़। अब ऊपर चलकर देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे ऊपर आपको खाने का भी मिल जाएगा, बढ़िया आप आराम से बैठ के खा सकते हैं, पूरा वुडन वर्क किया हुआ है। तो गाइस ये सारी एक्टिविटीज़ हैं
आप देख सकते हैं अच्छे खासे हैं, विद प्राइस मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप चाहे तो पॉज करके देख सकते हैं स्क्रीन पे। ठीक यहाँ से नीचे में ही बना हुआ है एटीवी का ये पूरा एरिया जहाँ पे आप एटीवी चला सकते हैं। पूरा बड़ा राउंड है गाइस, मतलब वो पूरा वहाँ से होते हुए आपको आना पड़ेगा। गाइस ये है मेन आपके एडवेंचर का अट्रैक्शन, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो यहाँ पर आते हैं और ये पूरा कंप्लीट करते हैं। इसे करने के लिए हिम्मत भी चाहिए और अच्छी खासी आपकी फिजिक भी होनी चाहिए, मतलब आप फिट होने चाहिए, तभी आप इन सब चीज़ों पर चढ़ पाओगे, पूरा कंप्लीट कर पाओगे। ये टायर वगैरह का जैसे काफ़ी बड़ा है गाइस, और ये और काफ़ी ऊंचा भी है इनफैक्ट, तो जैसे मैंने कहा जिगर वाला काम है, साथ ही साथ में आपको एकदम फिट रहने चाहिए। तो यहाँ पे आके आप अपनी एंडोरेंस टेस्ट कर सकते हो। तो हम आ गए हैं यहाँ से आगे और यहाँ पे डेड एंड है, ख़त्म है, बस नेचर है, दैट्स इट। बस एक ही चीज़ है गाइस कि बारिश की वजह से बहुत सारे जो ऐसे स्पोर्ट्स हैं और भी बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं वो बंद है, वरना कुछ नहीं तो कम से कम ये मैं ज़रूर ट्राई करता। तो आप भी जब आ रहे हैं तो मेक श्योर कि आप पहले पूछ लें कौन सी एक्टिविटीज़ स्टार्ट है, कौन सी एक्टिविटीज़ बंद है, अगर आपको एक्टिविटीज़ करना है, वरना अगर आपको सिर्फ चिल करना है, लेजर का मज़ा लेना है, तो फिर आप एमबी वैली में भी इंजॉय कर सकते हैं। और अच्छी बात एमबी वैली की ये है कि एमबी वैली से भले आपका चेकआउट हो चुका हो, लेकिन फिर भी 6 बजे तक के आप प्रीमाइसेस पर रह सकते हो, विच इज़ गुड। और गाइज ये है पेंट बॉल का पूरा एरिया, तो यहाँ पे 2 टीम लेके आप पेंट बॉल वाला गेम भी खेल सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल वो कह रहे थे शायद ये बंद है, क्योंकि ज़्यादा लोग आते नहीं और ज़्यादा लोगों को ये बात पता भी नहीं है कि यहाँ पे एक एडवेंचर पार्क भी है इनका। तो अगर आप आते हैं तो भाई सब कुछ इन्जॉय कीजिएगा। तो गाइज यहाँ पर अभी हम आए हैं ज़िपलाइन देखने के लिए, और ज़िपलाइन जो है वो यहाँ से गई हुई है वहाँ तक। मैं कोशिश करता हूँ जूम करने का, सॉरी अगर पिक्सलेट हो तो, खैर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, बट अगर ज़िपलाइन के शौकीन हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो गाइस जो ये माउंटेन क्लाइंबिंग है, ये पूरा जो सेट होता है ना, ये उसके जैसा बना हुआ है, मतलब इट्स नॉट एक्चुअल माउंटेन। और यहाँ से सीढ़ियाँ गई हुई है, तो जैसे आप ऊपर पहुंच जाते हैं तो आप नीचे उतर सकते हैं सीढ़ियों से, या अगर आपको ग्रैपलिंग करके उतरना है तो जो भी है वो आप देख सकते हो। गाइस अभी हम आए हैं जो कि यहाँ का एयरपोर्ट भी है, और यहाँ पर होती है गो कार्टिंग, तो ज़रा वो भी देख लिया जाए। तो गाइस ये है गो कार्टिंग के प्राइजेस, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लैप वाइज है, तो मतलब जो आप एक राउंड लेते हैं, जैसे 4 राउंड लिया आपने तो 650 का है गो कार्ट का, 8 लैप्स लिया तो 1000 ऐसा करके। तो गाइस यहीं से बाहर निकल के है गो कार्ट का पूरा ये बनाया है, छोटा है बट मस्त है, मज़ा आएगा। गो-कार्टिंग करने में बहुत मज़ा आया, तो अगर आप भी आते हैं तो गो-कार्टिंग का मज़ा ज़रूर लीजिएगा। तो गाइस इसलिए एमबी वैली से बाहर निकल के भी जो दो हमने आपको जगहें दिखाई हैं, इन सारी जगहों को जरूर विजिट कीजिएगा, ट्रस्ट मी यू विल लव इट। गाइस ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था, हम रिकमेंड करते हैं कि अगर आप एमबी वैली आना चाहते हैं तो जरूर आए और यहाँ पे आके एंजॉय करें। बस एक एडवाइस देना चाहते हैं कि मेहरबानी से सैटरडे संडे यानी कि वीकेंड्स पे या कोई फेस्टिवल पे बुक मत कीजिएगा, अवेलेबिलिटी भी कम रहती है और साथ ही साथ प्राइस बहुत ज्यादा होता है। और अगर आप चाहते हैं कि कम प्राइस में मिले तो आप वीकडेज में बुक कीजिएगा, अवेलेबिलिटी भी होगी और प्राइस भी कम होगा। और गाइस यहाँ पे रूम कैटेगरी के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप अपने बजट के अनुसार चूज कर सकते हैं। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए और साथ ही साथ इसे शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है, आप उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरीके के नए नए कंटेंट जब हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी है, जहां हमारे चैनल से रिलेटेड बहुत सी अपडेट्स डालते रहते हैं, तो आप हमें उस पे भी फॉलो कीजिए। बहुत जल्द हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ, तब तक खुश रहो, खुश रहने दो, प्रेज द लॉर्ड, बाय।